वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 9 अगस्त में मेरे पास जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश का था। मैं चाहता था कि सुबह अपलोड कर लूँ, लेकिन इतना क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, तो 15 क्वेश्चन आया है। सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश सेक्शन का क्या क्या क्वेश्चन आया था। इंग्लिश में थोड़ा टफ क्वेश्चन आया था। टफ क्वेश्चन मीन्स आपका ईडियम फ्रेजेस जो आया था वो बोल रहे हैं कि नहीं आया था आपका प्रीवियस ईयर से। नहीं, प्रीवियस ईयर से एक दो क्वेश्चन आया था, थोड़ा घुमा के पूछा था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही कुछ था, लेकिन क्लोज टेस्ट थोड़ा टफ था। आई थिंक 16 to 18 to 19 अटेम्प्ट आपका बहुत अच्छा है, इसमें डरने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इसको भरपूर आपका जीएस सेक्शन भरपाई कर दिया, लेकिन जीएस सेक्शन इतना ईजी आ रहा है, बहुत ईजी आ रहा है, लेकिन आगे क्या होता है वो बाद में पता चलेगा। आप अपडेट रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि चैनल अच्छे से ग्रो कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आया था। देखिए, ए ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी। इसमें ये जो पहला क्वेश्चन था ये आपका दिया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, ए ग्रीडी मैन ऑलवेज हैंकर्स आफ्टर मनी। हैंकर्स आफ्टर का मनी आपको पता है, इसमें इंप्रूवमेंट दिया था, तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट है। मेरा दोस्त भी वही नो इम्प्रूवमेंट लगाया है, क्योंकि हैंकर्स आफ्टर मनी मीन्स आप किस मनी के ऊपर हैंकर्स ऑलवेज उसके साथ आफ्टर लेता है। एक बार प्रिपरेशन चार्ट आप पढ़ लीजिए, मेरा प्रिपरेशन चार्ट वीडियो हैंकर्स आफ्टर होता है। हम हैंकर्स आफ्टर मनी के पीछे वो भाग रहे हैं ऑलवेज। ओके, तो हैंकर्स आफ्टर यहाँ पर करेक्ट है। तो देखिए, आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच आगरा। ओके, तो इसमें आपका ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट था। आपको पता है, जब भी कंडीशनल सेंटेंस आई शैल राइट टू यू व्हेन आई रीच आगरा। ओके, तो आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस क्या कैसे वो यूज होता है, तो इस यहाँ पे आपका कंडीशनल सेंटेंस ही लगेगा। तो ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। देखिए, ऑल इज़ नॉट, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन था, शायद प्रीपोजिशन का क्वेश्चन था, तो ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इसको थोड़ा देख लीजिए। एंड इल्यूजिव आपका सिनोनिम्स आया था, इल्यूजिव एंड एंटोनिम्स आया था एनिग्मा। ओके, इल्यूजिव एंड एनिग्मा का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया था। आपका आया था, देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ओल्ड अनमैरिड वोमैन, उसको क्या बोलते हैं, एट शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल। ओके, इसको आप क्या बोलते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट स्टोरी विथ ए मोरल, आई थिंक मेरा दोस्त ये रंग करके आया गया, वो कुछ अलग सा लिख दिया शायद, नैरेटर लिख दिया शायद, नैरेटर, तो ये गलत हो गया इसका, तो वो दूसरा होता है, स्टार स्टोरी विथ ए मोरल दूसरा होता है। तो मैं आपको एक वीडियो में बता दिया हूँ ईडियम फ्रेजेस जो बोल रहे हैं कि नहीं बुक से प्रीवियस ईयर से नहीं आता है, लेकिन ये जो ईडियम फ्रेजेस है एक ही बुक से आता है, और वो बुक में आपको वीडियो मेरा देखिए, वो बुक जो वीडियो बना है एसएससी सीजीएल आस्किंग ईडियम फ्रेजेस फ्रॉम दिस टू बुक्स, इसी नाम का एक वीडियो है, तो उसको देखिए। उस बुक आप पीडीएफ में दे दिया हूँ, उसको डाउनलोड कीजिए, उसका ईडियम फ्रेजेस कंप्लीट कीजिए, जिनका आगे एग्जाम है उनके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। डेज ऑफ रिकॉर्डिंग, एक से ईडियम फ्रेजेस आया था आपका डेज ऑफ रिकॉर्डिंग। ओके, एंड ग्रिड ऑफ द लाइन्स। ओके, दो ईडियम फ्रेजेस आया था आपका। वर्ड एसोसिएटेड विथ क्लोज टेस्ट, देखिए क्लोज टेस्ट में क्या क्या वर्ड आया था, क्यों वो मुझे मैं यहाँ पे क्यों इसको इंक्लूड किया, क्यों ने देखिए, अगर जो भी एसएससी में देखा हूँ, एसएससी क्लोज टेस्ट में जितना भी वर्ड आता है कहीं ना कहीं उसी वर्ड को वो यूज करता है दूसरे एग्जाम में, याद रखिए ये 100% ट्रू है। ओके, तो कहीं ना कहीं क्लोज टेस्ट में जितना वर्ड आता है वो क्लोज टेस्ट से शायद उठा के वो सिनोनिम से वर्ड पूछ लेगा, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेगा, तो ध्यान रहिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिया हूँ। तो देखिए, क्लोज टेस्ट में क्या क्या आया था, डूबियस आया था, डिलैपिडेशन आया था, मूट आया था, मिसअप आया था, हेरेटिक आया था, इंडोलेंट आया था, डिफाइल आया था एंड कैविल आया था। तो अगर आप इसका मीनिंग नहीं पता तो आप क्लोज टेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन तो क्लोज टेस्ट इसके लिए आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स जब भी जिनका आगे पहले एग्जाम है तो वो जाके एसपी बक्सी का जितना भी क्वेश्चन है उसको उठा के वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसको कीजिए, एंड प्रीवियस ईयर का तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, पहले बोला था आपको हिंदी एडिटोरियल भी आपको पढ़ना था, ये ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप एसपी बक्सी का जितना ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स है उसको रट लीजिए, तो वो बहुत ही बेनिफिट रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, फॉर अपडेट कीप टच with this channel, so thank you.